वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज स्काई कंप्यूटर सेंटर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पट्टी दिया गया है, लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी इस पट्टी को हम लोग कहते हैं टाइटल बार कहते हैं, ये हम लोगों का टाइटल बार होता है। फिर सिकंड पट्टी जो दिया गया है, इस पट्टी को हम कहते हैं मेनू बार कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, यानी इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू होते हैं। कभी कभी ये ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो हमें बताना है दोस्तों कि 11 मेनू होते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये मेरा टूल बार होता है, यानी ये ऊपर वाले पट्टी को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं और ये नीचे वाला जो पट्टी होता है इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे कुछ जगह दिखाई दे रहे हैं, ये जो पंक्ति दिखाई दे रहा है पूरा इस प्रकार का, इस पंक्ति को हम फार्मूला बार कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो कोने पर A1 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों होता है एक्टिव सेल रेफरेंस नेम बॉक्स होता है, यानी जहाँ जहाँ पे हम काम करेंगे, जैसे ये सेल हमारा एक्टिव है, इसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। अब यहाँ ये 3 लिख गया, अगर 2 में काम कर रहे हैं तो ये 2 लिख गया, 1 में काम कर रहे हैं तो A1 लिख गया, अर्थात ये एक्टिव सेल रेफरेंस नेम बॉक्स हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे ये जो दिया हुआ है C1 दिया गया है, इसको हम सीट टेबल के नाम से जानते हैं, सीट टेबल इसको कहते हैं। अर्थात अब आशा करता हूँ दोस्तों कि इसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।